हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो जो आज का जो ब्लॉग है, मैं जा रहा हूँ अग्रसेन की बावली, जो कि दिल्ली में है। कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। अगर आप भी जाना चाहते हैं अग्रसेन की बावली तो लास्ट तक देखें इस वीडियो को। मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को करते हैं शुरुआत, तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं अग्रसेन की बावली पर। फाइनली गाइस आ गया हूँ मैं इधर अग्रसेन की बावली। तो ये है, देख सकते हैं ये रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ। तो जब आप यहाँ से सीधा जाओगे तो आगे करीब 5 मीटर की दूरी पर राइट में इसका गेट है। तो चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाता हूँ आपको अंदर का व्यू। तो ये है कुछ इस तरीके का, ये देखिए लिखा हुआ है उग्रसेन की बावली। तो ये इसका मेन गेट है और इधर से इंटर करते हैं और ये अंदर बावली की तरफ जाने का रास्ता है सीढ़ियों से। तो फिर हम गाइस अंदर आ गए हैं और आप देख सकते हो ये है उग्रसेन की बावली का नज़ारा। कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, आप भी ज़रूर आएँ उग्रसेन की बावली देखने के लिए। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कुछ, तो ये दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास है और अगर आप भी आना चाहते हैं तो आपको 12 खंबा मेट्रो पर आना पड़ेगा। वहाँ से ये 50 मीटर की दूरी पर होगी और वरना आप तो या ऑटो या टैक्सी से भी आ सकते हैं। हालांकि इधर बस वगैरह नहीं आ पाती है, तो ये थोड़ा अंदर की तरफ है। तो इसके बारे में मैं कुछ बता दूँ आपको। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराज अग्रसेन ने कराया था और इस बावली में करीब 105 सीढ़ियां हैं। तो ये अनगढ़ और गड़े हुए पत्थरों से ये बनाया गया है और ये बेहतरीन जो बावलियां हैं उनमें से एक है और ये होली रोड पे स्थित है। इस बावली में कभी दिल्ली के लोग तैराकी सीखने के लिए आते थे और ये बावली करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची है। इसके जिसके कारण अग्रसेन बावली के नाम से जाने जाना लगा। ये दिल्ली की उन गिनी चुनी बावलियों में से है जो अभी अच्छी स्थिति में है। बावली में आने के लिए ये 3 दरवाजे हैं और एक मस्जिद भी है। इस बावली में शांत माहौल में जब कबूतर और चमगादड़ों की चीखें और फड़फड़ाहट गूंजती है तो बावली में एक डर सा माहौल लगने लगता है। और साल 2012 में भारतीय डाक द्वारा अग्रसेन की बावली पर टिकट भी जारी किया गया है। और अग्रसेन की बावली में बात करें तो कई फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ पर, जैसे कि पीके की भी हुई है और झूम बराबर झूम और सलमान खान की भी फिल्म की शूट हुई है। तो आप भी जरूर देखें अग्रसेन की बावली। और यहाँ पर कोई टिकट वगैरह कुछ नहीं है, फ्री एंट्री है और आप आए एंजॉय करें क्योंकि काफ़ी अच्छा माहौल लगता है यहाँ पर। काफ़ी लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह की है ये बावली और नीचे पानी भी भरा हुआ है। ये कुआं था पानी का जहाँ से ये पहले पानी निकाला करते थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं जब कुएं पर इकट्ठा हुआ करती थी तो बावली के शांत वातावरण उन्हें आराम करने के लिए और गर्मी से बचने के लिए ये बनाया गया था। और बावली के धनुष्कार कक्षों का विभिन्न धार्मिक कार्यों और समारोह के लिए भी किया जाता था। तो जो नीचे आपको कुआं दिख रहा है, यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इन्होंने ये रस्सी बांध रखी है और यहाँ जाना अलाउड नहीं है। और अगर आप दिल्ली आओ तो ज़रूर उग्रसेन की बावली आए, काफ़ी अच्छी जगह है।
थी अग्रसेन की बावली, बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया। तो अगर आप भी आना चाहें तो ज़रूर आएँ। और आने के लिए मैं बताऊँ तो बाराखंबा मेट्रो पर आपको आना पड़ेगा, वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है ये अग्रसेन की बावली। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो ज़रूर आएँ। बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और काफ़ी अच्छा प्लेस है कि फेमस जगहों में से ये एक है अग्रसेन की बावली। तो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को